हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। रासायनिक समीकरण के अंदर दो चीज मेन होती है, पहली अभिकारक, दूसरी उत्पाद। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है, मगर थोड़ा सा मीनिंग अलग है। पहला क्या है, अभिकारक का मतलब क्या है, वह पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम अभिकारक कहते हैं। वह पदार्थ जिसमें रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। कोई भी पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक। और परिवर्तन तो होने के बाद जो मिलता भी हमें, ये देखिए यहाँ पे ये दो तत्व है और इसमें अभी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद जो भी हमें मिलेगा, जो भी कुछ भी मिले, इन दोनों के मिलने के बाद जो भी हमें मिलेगा वो क्या होगा, उत्पादक, उत्पाद। समझ आई? रासायनिक परिवर्तन जिसमें होता है उसको कहते हैं अभिकारक, और रासायनिक परिवर्तन के बाद जो मिलता है उसे कहते हैं हम उत्पाद। ठीक है, इसे देखिए मैं पहले लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, आई मीन रासायनिक अभिकारक। देखिए, अभिकारक वह तत्व जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब उत्पाद देखिए। ठीक है, अब आता है उत्पाद। ये हमारा यहाँ पर ये तत्वों में अभी परिवर्तन हो गया। अब जो भी परिवर्तन होने के बाद जो भी हमें मिलता है उस तत्व को हम क्या कहते हैं, उत्पाद। अभिकारक में परिवर्तन होने के बाद जो तत्व मिलता है उस तत्व को हाँ उत्पाद कहते हैं। ये रासायनिक समीकरण के दो तत्व थे, एक अभिक्रिया अभिकारक, एक उत्पाद। अभिकारक वह तत्व है जिसमें परिवर्तन होता है, उत्पाद वह तत्व है जो परिवर्तित होने पे मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। आइए देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए संतुलित करना क्यों पड़ रहा है मेरे रासायनिक समीकरण, एज एग्जाम्पल देखिए कि रासायनिक समीकरण लिखते हैं। ये देखिए Mg+O2 इक्वल टू MgO, ये है समीकरण। क्या मैग्नीशियम ऑक्सीजन को जब मिला देते हैं हम, तो हमें उत्पाद उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको संतुलित करने का क्या मतलब, सर वो काफी बच्चे बोलेंगे संतुलित तो है सर, देखिए ना Mg O, यहाँ पे Mg है, यहाँ पे भी Mg है, O है, वो है, संतुलित है। मगर स्टूडेंट ये अभी संतुलित नहीं है। यहाँ पे देखिए O के दो कंपाउंड है, ओके दो तत्व हैं, और मगर यहाँ पे एक ही तत्व है, इसीलिए इसको समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो कभी ना कभी आपके मन में यही सवाल आएगा, या टीचर आपके यही सवाल पूछेंगे कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना पड़ता है। तो इसका आंसर ये है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, किसके अनुसार, रासायनिक समीकरण को हमें संतुलन ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित करना पड़ता है। अब कुछ बच्चों को पता होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा का ना ही उत्सर्जन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है, तो इसीलिए इसे हम समीकरण को संतुलित करते हैं कि इस दोनों को हमने मिलाया तो जो भी हमें मिला, हमें उत्पाद जो भी मिला वो हमारे अभिकारक के इक्वल है, जब भी यहाँ पे इक्वल टू का निशान मैंने डाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व, हम इसे संतुलित करते हैं। आइए सबसे पहला रूल, नंबर ऑफ कंपाउंड ध्यान, याद नंबर ऑफ तत्व, नंबर ऑफ तत्व याद रहोगे रखेंगे तो आपको अपने आप ही आपको समीकरण संतुलित दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे एच टू है, नहीं ओ टू है, तो कंपाउंड ओ के तत्व दो है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे दो करने के लिए यहाँ पे मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दिया MgO को, तो यहाँ पे भी एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये ओ टू
यहाँ पे टू लिखने पे टू एम जी ओ हो गया, तो यहाँ पे ये टू सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एम से भी हो रहा है, जी से भी हो रहा है, और से भी हो रहा है, तो ये एम जी ओ बी के भी दो कंपाउंड हो गए, हो गए तो दो कंपाउंड थे कर लिए तो हमारा इक्वल हो गया, मगर एम के इधर एक ही है मगर इधर तो दो हो गए, इसीलिए यहाँ पे भी दो करने के लिए यहाँ पे इसे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, समझ आ गया बात है? कि अब ये समीकरण संतुलित हो गया। अब चेक करेंगे कि ये भी हमारा समीकरण सच में संतुलित है कि नहीं है। इसके लिए हमें, हमने 9th में पढ़ा था क्या, द्रव्यमान, दोनों साइड के द्रव्यमान को देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं है। आइए देखते हैं, ये देखिए, ये वाले टू के लिए तो हमने यहाँ टू लिख दिया, और मैग्नीशियम का कितना द्रव्यमान होता है, 24 प्लस, तो प्लस ओ, ये वाला टू यहाँ पे, मैं ओ ये वाला टू हमें क्या पता था, यहाँ पे दो कंपाउंड है, ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे दो लिखा है, और एक कंपाउंड, एक तत्व का द्रव्यमान कितना होता है, 16, तो दो का क्या होगा भाई, 32, इक्वल टू का निशान और टू का टू, यहाँ पे ये दोनों ऐड है, इसीलिए देखिए एम जी का कितना होता है 24 और ओ का कितना होता है 16, ये हमने लिख दिया 16। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे, आइए, ठीक है, इन 24 दूनी 48, 16 दूनी 32, और 24 और 16 इक्वल टू 40। आइए अगला देखिए, इसका आगे सॉल्व करते हैं, दो गुने 40 इक्वल टू 80, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए कितना आता है, देखिए हो गया ना, दोनों साइड हमारे क्या आ रहा है, 80 u 80 u। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये समीकरण संतुलित है, और ये समीकरण संतुलित है तो इसीलिए ये किसके नियम पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे, सॉरी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है, ना द्रव्यमान का उत्सर्जन ना ही विनाश हो सकता है, बस वह एक से दूसरे में कन्वर्ट होता है। तो देखिए ये कन्वर्टित हो रहा है, मैग्नीज और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, समझ आ गई बात, ये है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब अगले इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे टॉपिक्स पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियोस, शेयर माई वीडियोस, लाइक एंड कमेंट, जो चीज आपको नहीं समझ आती है उसको कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई पक्का दूंगा। थैंक यू।